Are you somebody who feels that you know a lot about a particular topic or a particular question but you're not able to structure your answer well? Then this particular video is going to help you understand that how should you write a perfect answer for your UPSC mains answer writing. My name is Shivam Singh Hania and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management Optional. Now once we have understood as to how we have to decode the questions, now it is very important to understand how are we going to decode the answer.

जो भी आपने आंसर लिखा है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है बट बहुत ही में या बहुत ही तरीके से तो आपको स्ट्रक्चर करने से पहले इन पांच इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का तो ध्यान रखना है अगर आप इसी पैरामीटर के बेसिस पे इसी सैंपल के बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको अपने आप हैबिट पड़ गई है एंड एवरी क्वेश्चन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू यू आर एबल टू स्ट्रक्चर इट अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स ओनली पहला एस्पेक्ट क्या है इंट्रोडक्शन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टार्टिंग में दो लाइन में बता दीजिए एग्जामिनर को दैट आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड जस्ट टू नरेटेड कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया नॉट मच सेकेंड पार्ट इज एड्रेसिंग ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं हमने क्वेश्चन को पढ़ा हमें लगता है कि यार ये पार्ट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मिस कर जाते हैं या फिर उसको कम दे देते हैं इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है पंद्रह मार्क्स का दस मार्क्स का या बीस मार्क्स का तो हमें उसके सारे पार्ट्स को आंसर करना हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पार्ट को हमने इग्नोर कर दिया और बाकी दो पार्ट को हमने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मार्क्स कट जाएंगे थर्ड पार्ट इज वेटेज ऑफ द पार्ट्स

द लास्ट पार्ट जिसको स्टूडेंट्स ऑफ एन इग्नोर करते हैं मैंने अपने आंसर राइटिंग सेशन में भी बताया जो हमने कंडक्ट किया था राइटिंग इंपैक्टफुल कंक्लूजन कंक्लूजन अब conclusion का मतलब इम्पैक्टुल नहीं होता है कि जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको बस समराइज कर दिया कंक्लूजन इज अबाउट क्रिएटिंग अ अ काइंड ऑफ लिंकेज यू अंडरस्टूड जो भी उस टॉपिक में पूछा गया था जो भी उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था वेदर यू आर एबल टू क्रिएट द लिंकेज और नॉट और आपकी समराइज ओपिनियन क्या है दैट हैजू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन और लास्ट पार्ट इज वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड कई आंसर में आपको नहीं लिखना होगा कई आंसर में लिखना होगा बट द बेसिक आइडिया इसकी अगर आपने एक जगह पे आंसर कंप्लीट किया है कॉन्क्लूजन खत्म करते हुए आप वहाँ पे दो लाइन में बता सकते हैं इफ यू आर एबल टू रिकॉल सम स्टैटिस्टिक्स सम फैक्ट सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स व्हिच आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन लेट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई उ आर गवर्नमेंट परफॉर्मिंग इन टर्मस प्रमोटिंग द स्माल स्केल इंडस्ट्री आपने कॉन्क्लूजन दे दिया सारे आर्ग्यूमेंट दे दिए चैलेंजेस के बारे में बात कर दी लास्ट में लेट से जब आप कॉन्क्लूजन दे रहे हैं तो अभी आपको कोई रिसेंट स्कीम याद आ रही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को स्कीम लेके आ रही थी आपने उसको लास्ट में दिया इट इज गोइंग टू गिव अज इंपैक्ट टू योर आंसर तो ये पांच एलिमेंट है ये पांच कॉम्पोनेट हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन आंसर आंसर लिखने से पहले आपके दिमाग में ये पांच स्ट्रक्चर के एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो जाने चाहिए कि मुझे ये पांच एलिमेंट्स इंक्लूड करने अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आपको रियलाइज नहीं होगा कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको ऑटोमेटिकली हैबिट पड़ जाएगी ठीक है सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर पार्ट द फर्स्ट कॉम्पोनेट द सेकेंड इज द कॉन्टेंट कॉन्टेंट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेसिक इंफॉर्मेशन जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक बैकग्राउंड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है लेट से कोई स्टेटमेंट है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ठीक है? आपको में जो भी हैं आपके जो कोर टॉपिक्स हैं उसकी एक से दो आपके पास बेस्ट डेफिनेशन ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस मोमेंट पे आप उस डेफिनेशन को क्रिएट कर रहे हो फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग एन आंसर ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था जस्ट टू चेक इट उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस नाउ लेट सी एनालिसिस बट आपने जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दो कीवर्ड्स के बारे में मेंशन ही नहीं किया सर्टेनली द एग्जामिनर इज गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स बिकॉज ये दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट्स है आपके जॉब एनालिसिस के तो अगर आपसे जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन पूछी गई यू कैन डिफाइन दम और फिर एक लाइन में लिख सकते हो द मेजर टू कॉम्पोनेट्स ऑफ जॉब एनलिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन इफ द टाइम परमिट्स तो आप एक डायग्राम बना के ब्रीफली एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो ठीक है सो दैट इज हाउ यू हैव टू टॉक अबाउट नेक्स्ट इज द फैक्ट्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स कुछ फैक्ट्स या कुछ बढ़िया स्टेटमेंट जो आ, किसी इकोनॉमिस्ट ने कहे हुए हैं ठीक है या किसी रिनोन साइकोलॉजिस्ट ने कोई आर्गुमेंट दिया हुआ है या कोई फैक्ट बोला हुआ है मेक अ पॉइंट टू कीप अ नोट ऑफ इट जब आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो या जब आपने जीएस के पेपर्स की तैयारी कर रहे हो आपने उस पेपर तो पढ़ ही रहे हो उसी समय वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते से, से हैं या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई एलिमेंट है, है उसको निकाल के अपने पास अलग से लिखते चलिए सो डेट राइटिंग योर प्रैक्टिसिंग आंसर में इंक्लूड करने लगो अगर आप ये ऐसा नहीं करोगे और आप ये सोच के बैठे हो कि जब एग्जाम लास्ट में आ जाएगा तो एक महीने में करंट अफेयर्स निकाल के रट लेंगे वो नहीं होने वाला और अगर वो कर भी लोगे तो उसको आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाओगे ठीक है तो फैक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो कंटेंट के अंदर लास्ट इज गोइंग टू बी योर फाइनल फाइनलेंट जो भी चाहे आप पॉजिटिव दे दे रहे हो और, दे रहे हो हो नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द द टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है तो वो एलिमेंट भी आपको इंक्लूड करना है तो ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको कॉन्टेंट में ध्यान रखना है या आपको कॉन्टेंट वाइज क्या क्या पता होना चाहिए फॉर अ अर्टुलर क्वेश्चन ठीक है थर्ड पार्ट पे चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द प्रेजेंटेशन आज मैं बता रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि सर हम बहुत अच्छे डायग्राम बनाएंगे और हम बनाते भी हैं और कई सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट के लिए जब जब आंसर्स लिख रहे रहे होते हैं या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस समय भी बना लेते हैं बट एग्जाम में इतना प्रेशर होता है इतनी एंजाइटी होती है इतना स्ट्रेस होता है आपके दिमाग में घड़ी टिक टॉक टिकटॉक चल रही होती है कि आप नहीं कर पाते हो आप डायग्राम्स नहीं कर पाते हो तो उसका तरीका क्या वट इज अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट सोल्यूशन ये है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो मेक इट अ पॉइंट कि आप कोशिश ये करो कि 10 मिनट आप बचा लो अपने इन योर एंटायर टाइम ताकि वो 10 मिनट अगर आपको लगता है कि यार चलो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला बट लास्ट के जो 10 मिनट मिले उसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूं और जहां जहां स्पेस बच रही है वहां मैं अपने डायग्राम बना के बेटर प्रेजेंटेशन दे लेता हूं so, सो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे अगर आपने आंसर राइटिंग की सफिशियंट प्रैक्टिस नहीं करिए आपको हमेशा टाइम शॉर्टेज पड़ेगा इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया इट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया टू गिव प्रेजेंटेशन और मैं आपको बताऊं प्रेजेंटेशन देने के दो फायदे होते हैं पहला तो आपकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है ठीक है आंसर की वो इंप्रूव हो जाती है सेकेंड उसका बेनिफिट क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपके पास टाइम कम है यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग बट अगर आप उसको डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट के थ्रू प्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हो तो बिना ज्यादा टाइम लिए आपने ज्यादा कॉन्टेंट शोकेस कर दिया टू द एग्जाम इन दट ओके आई नो ऑल ऑफ दिस थिंग से आपको पांच पैरामीटर याद है बट आप दो ही एक्सप्लेन कर पाते हो आपके पास टाइम कम है बट यूर एबल टू राइट थ्री ऑफ देम ब्रीफली एक, एक, एक लाइन में या दो दो वर्ड में आपने डिफाइन कर दिया द एग्जामिनर गिव यू मार्क्स की ठीक है एटलीस्ट इसको पांचों पता है ठीक है तो यू हैव टू टेक दैट इन टू कंसिडरेशन तो डायग्राम का इस्तेमाल करिए एग्जाम्पल का इस्तेमाल करिए कोशिश करिए कि हर पॉइंट में एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आप दे ही दें एंड लास्ट फ्लो चार्ज जहां पर भी आप फ्लो चार्ज बना सकते हैं प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर वहां पर आप फ्लो चार्ज बनाइए टू शो द स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस ठीक है तो ये तो हो गया एक बेसिक डिकोडिंग रिकोडिंग आंसर के लिए क्या तीन कॉम्पोनेंट आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा अब मैं क्या करने वाला हूं एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूं आपको और एक क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं दैट हाउ कैन वी एक्चुअली डिकोड द आंसर ठीक है दिस इज यूजुअली फॉर योर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स बट इसको कॉमर्स स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं या अदर भी स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं जो किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं ठीक है

to motivate employees at different levels of an organization. You have to remember कि आपको generic answer नहीं लिखना है आपको relate करना है कि यार different levels मतलब top level management, middle level management and lower level management को आप कैसे motivate करोगे linking the theory of Herzberg. ठीक है समझ में आया क्या question है तो तीन part of the question है जो हमको answer करना है अब इस question का example लेके मैं आपको same decoding the answer वाली technique सिखाता हूं Let's go and structure the answer first. Quickly 30 second लगाते हैं और क्वेश्चन को समझ के उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बताना है? ब्रीफ अबाउट मोटिवेशन ठीक है question, तो पहले कर लेते हैं। पहला क्या पार्ट है पूछा हुआ था कि भाई मोटिवेशन तो सिंपल प्रोसेस है बट किसी को मोटिवेट करना एक डॉन्टिंग टास्क है तो मुझे लगता है उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ब्रीफ मानव सेकेंड पार्ट हर्सबर्थ थ्योरी जो आपको बतानी है

थ्योरी एंड इंप्लॉय मोटिवेशन बिकॉज दैट वॉज आज वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वी आर गोइंग टू इंप्रूव द इंसेंटिव प्लान अब अगर मुझे पता चल रहा है कि यार हर्सबर्ग की थ्योरी का इस्तेमाल करके मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं तो सर्टनली गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू इंप्रूव और इंप्रोवाइज माई इंसेंटिव प्लान ऑफ पॉलिसीज फॉर माई इंप्लॉइज ताकि मैं उनको मोटिवेट कर सकूं और उनसे बेटर तरीके से काम करवा सकूं फॉर अ बेटर सेटिस्फेक्शन तो ये क्या हो गया मैंने स्ट्रक्चर और बहुत जल्दी से 30 सेकंड में कर लिया बिफोर इवन स्टार्टिंग माय आंसर राइटिंग ठीक है

सो आई थिंक बेसिक कॉन्टेंट के बारे में बात करें स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं ठीक है नाउ कैन बी टू वेज ऑफ राइटिंग दिस आंसर एक क्या है कि प्लेन एंड सिंपल लिखते चले जाओ ठीक है बहुत सारी लाइन भर दो ठीक है द अदर पार्ट इज टू गिव अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन तो यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए पहले मैंने मोटिवेशन को एक्सप्लेन कर दिया ठीक है देन आई वॉन्ट कि मैं उस चीज को डिफरेंशिएट करूं मैं मोटिवेटर्स को और हाइजीन फैक्टर्स को मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मैंने क्या किया एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक लिस्ट क्रिएट कर दी ऑफकोर्स एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो कुछ लाइन में एक्सप्लेन भी करूंगा बट अब होगा क्या क्योंकि मैंने ये डायग्राम बना दिया है तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा दैट ही अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड ही नोज द फैक्टर्स ठीक है तो अभी ये जरूरी नहीं है कि मैं इन सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करूं बट अगर मैं दो तीन फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो मेरा काम हो गया और मैंने यहां पर क्लियरली लिख दिया दैट ओके इंप्रूविंग दीज फैक्टर्स हेल्प टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन

थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो अभी तक अगर आपने जनरल आंसर लिखा होता तो आपको यहां पे नंबर नहीं मिलते बट हमें एक लिंक क्रिएट करना है तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया कि जो first line managers मतलब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स मैनेजर्स मतलब सुपरवाइजरी लेवल लेवल हो हो गए गए या लोअर इनका फोकस रहेगा हाइजीन फैक्टर्स ठीक है ये मोटिवेशनल फैक्टर्स जो मिशन वगैरह होता है इनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता इनके लिए होता है कि हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और हमें बेसिक सैलरी सही मिलनी चाहिए ठीक है मिडिल लेवल मैनेजर्स के बारे में बात करें तो इनके लिए हाइजीन फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें और मोटिवेशनल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा बोथ द फैक्टर्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ थर्ड अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करूं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ठीक है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए एमडी हो गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए दे आर मेजरली गोइंग टू फोकस अपॉन द मोटिवेशनल फैक्टर्स उनके लिए रिकॉग्निशन लर्निंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो मैचलो की है वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो अब आपने देखा कि सिर्फ दो ही डायग्राम्स बनाए मैंने सिर्फ दो डायग्राम्स दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर बट दो डायग्राम के अंदर जो मेरे छे छह मार्क्स के क्वेश्चन है उसकी क्लैरिटी मैंने एग्जामिनर को दे दी दैट ओके व्हाट व्हाट आई आई एम एम ट्राइंग ट्राइंग टू टू से से एक्सप्रेस अब इसके बाद मैं इसको लाइन एक्सप्लेन कर सकता हूं बट मोर और लेस दो डायग्राम्स को देख के एग्जामिनर को पता लग जाएगा दैट ओके व्हाट इज ही ट्राइंग टू से तो आपने अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे दी और आपने अच्छा आंसर भी लिख लिया ठीक है सो दैट वॉज अबाउट सेशन आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी दैट हाउ यू हैव टू डी द आंसर आई एम रिपीटिंग वनस अगें वीडियो देखोगे वीडियो देख के चले जाओगे मोटिवेटेड होगे कि हाँ भाई डायग्राम्स के बारे में पता चल गया प्रेजेंटेशन के बारे में पता चल गया बट इफ यू आर नॉट डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप आंसर राइटिंग कर नहीं रहे हो या ये सोच रहे हो कि यार पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करूंगा यू विल नेवर बी एबल टू राइट सट गुड आंसर कभी भी आप अच्छे आंसर नहीं लिखोगे और मैं बताऊं मैं तो सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूं स्ट्रक्चर बता रहा हूं इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू विल बी एबल टू राइट फंटेस्टिक आंसर ठीक है सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी जानकारी दी है थोड़ी सी भी मदद करी है इन योर प्रिपरेशन डू हिट द लाइक बटन डू सब्सक्राइब टू द चैनल दैट वॉज ऑल ऑल्सो एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा दैट वी हैव क्रिएटेड अ वेरी स्पेसिफिक चैनल दैट इज फॉर यूपीएससी कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स द द नेम ऑफ चैनल इज यूपीएससी पीडिया बाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक चैनल फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट्स फॉर कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑप्शन वी आर ऑल्सो रनिंग अ कोर्स आउट देयर ठीक है फॉर आयी एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रिपरेशन सो इफ यू थिंक दट आर वीडियो आर हेल्पफुल टू यू यू कैन चेक आउट द कोर्स ऑल्सो कोर्स को चेक करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर नाइन 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 फोर डबल सिक्स टू टू फाइव ठीक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है या फिर आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉ अनु जिंदल इन पे भी जा सकते हैं अगर आप ई मेल करना चाहते हैं तो आप इनफो एट द रेट अनु डॉट इन पे हमें ईमेल कर सकते हैं ठीक है दैट वॉज ऑल थैंक यू हैव अ नाइस डे टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बब प्रिपेयरिंग ऑल द बेस्ट